तो गाइस नई सुबह और नई साइट के लिए हम लोग निकल गए थे। ये साइट थी हमारी अमृतसर में तरन तारण साहिब की साइट थी और ये साइट हमारे पास से इस टाइम 220 किलोमीटर दूर है। तो हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले थे साइट के लिए। ये साइट बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के पास में है। तो गाइस मैं आपको इस वीडियो में पाकिस्तान बॉर्डर भी दिखाऊँगा कि कहाँ पर पाकिस्तान से बटा हुआ है, बिल्कुल पास में ही पाकिस्तान दिखा रहा है वहाँ से। तो गाइस बनी रहिए शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो में। तो चलते चलते गाइस इस वक्त 9:30 बज चुके थे और हमें भूख लग रही थी। हमें सुबह का ब्रेकफास्ट करना था, टीम को भी ब्रेकफास्ट करना था। तो काफ़ी देर से हम देख रहे थे कोई नियर बाई हमें ढाबा मिल जाए, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करें। काफ़ी टाइम के बाद में हमें एक ढाबा नज़र आया तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पर हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, आगे हमें क्या पता कि कुछ मिले या ना मिले। तो एक बहुत अच्छी सी लोकेशन पे यह ढाबा था, हल्की हल्की सुबह की ठंड थी और हमारे जो टीम के मेंबर थे वो अपने सेल्फी लेने में व्यस्त थे और हमने ऑर्डर दे दिया था तो यहाँ बैठे हुए वेट कर रहे थे बस। नाश्ता था गाइस वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था, दो पराठे दही अचार के साथ में हमें पड़े थे 80 रुपये के और एक बहुत बेहतरीन स्वाद था पराठों का, बिल्कुल घर जैसे पराठे हमें लगे। और हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद में हम लोग निकल गए थे अपनी साइट की ओर क्योंकि हमें जल्दी से साइट पर पहुँच के काम भी स्टार्ट करना था क्योंकि आज हमें दो साइटें करनी थी। तो हम उस गांव में पहुंच गए थे जहां पर हमारा ये टावर है और आप देख सकते हैं ये ओल्ड पंजाब की हमें याद दिलाता हुआ गांव। वैसे ही गांव हमारे अब पंजाब में बहुत कम देखने को मिलते हैं इस तरीके के गांव। तो ये ओल्ड पंजाब की हमें याद दिलाता हुआ क्योंकि ये बिल्कुल अमृतसर पाकिस्तान बॉर्डर से अटैच है तो ये पुराने गाँव की वाइब देता हुआ। तो ये जो रोड देख रहे हो आप गाइस ये लास्ट रोड है। इधर आप देखेंगे ये एक सुरंग सी लेफ्ट में हमारी बनी हुई है, सरासर एक लंबी सी सुरंग है जाती है और उधर की तरफ सिर्फ खेत हैं और वही लोग इंडिया के कुछ फार्मर जिनके खेत हैं उनका जाना ही अलाउ है। तो फाइनली गाइस हम बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के पास में, जैसे कि आप देख रहे हैं वो चौकी नज़र आ रही है जहाँ से हमारे फौजी लोग उधर नज़र रखे होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं जूम करके मैं दिखा रहा हूँ जो पेड़ जितने भी हैं ये सब पाकिस्तान के अंदर हैं और हमारी टीम यहाँ पर बिल्कुल जस्ट पास में है। काफ़ी देर हो गई थी हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते, काफ़ी दूर था। तो हमारी टीम अब तैयार होने लगी है, अपनी सेफ्टी बेल्ट जो है वो पहनने लगे हैं, जो भी मटेरियल इस टावर में लगना है उस मटेरियल को उन्होंने यहाँ पर निकाल कर रख दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सारा ये न्यू मटेरियल हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना है। टीम तैयार होने के बाद में इसको और टीम हमारी थोड़े कुछ काम करते हुए, क्योंकि इनको जो सेटल होता है एंगलों को पहले नीचे ही करना होता है ताकि ये सटीक तरीके से ऊपर आ जाए, इनको ऊपर कोई परेशानी ना हो। तो टीम हमारी यहाँ पर काम करती हुई जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर करेक्टिव मेंटेनेंस का काम हो रहा है, इसमें हमारी टीम जो है वो एंगल वगैरह लगा रही है, जो भी पुराने एंगल हैं उनको या जो मिसिंग एंगल हैं उनको हटा के नए एंगल का यहाँ पर। गाइस तो इस साइट पर हमारा वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका था, अब हम निकलते हैं अपनी नेक्स्ट साइट के लिए।